राम राम जी सभी को और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो दिवाली आ रही है, सबका मन करता है मिठाई खाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, मीठा खाने के बाद तीखा खाने का भी मन करता है। और त्यौहार है तो वही खानी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, पर कोशिश करें कि घर पे कुछ अच्छा मीठा हेल्दी बना के खाएं। और उसके बाद जब हम खा लेते हैं तो जैसे अचानक से ही भाई 3-4 दिन त्यौहार के, 1 वीक लगा लो, तो बहुत सारी मीठी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हम दैनिक जीवन में, दैनिक डाइट में नहीं खाते। तो उनको खाने के बाद अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की भी ज़रूरत है। और वो डिटॉक्स करने के लिए जो सामग्री है वो हमारे किचन में ही उपलब्ध है। तो देखो ये है अजवाइन, ये है जीरा, धनिया, सौंफ और मेथी। इनको हमें लेना है और दरदरा सा पीस लेना है, मतलब मोटा सा कूट लेना है या पीस लो मोटा मोटा, और फिर इन सब को मिला के इसमें से 1 चम्मच ले लो और 2 लीटर पानी में उबाल लो, या इससे ज़्यादा में उबाल लो, 4 लीटर में उबाल लो। फिर जब 2 लीटर पानी बचे तो उस पानी को छान के और उस पानी का सेवन करो आप दिन भर। यदि किसी को जुखाम खांसी है इस दौरान तो वो थोड़ा उस पानी को गुनगुना करके सेवन कर ले, तो इससे बॉडी भी डिटॉक्स होती है, एक तरीका तो हो गया ये। और दूसरा इससे वेट लूज भी होता है। यदि आप डेली इसको 1 चम्मच, जैसे रात को आधा से 1 चम्मच भिगो दो 1 गिलास पानी में और सुबह खाली पेट छान के उसको गुनगुना करके पी लो, या मान लो उसको उबाल लो और आधा कप बच जाए तो आधा कप पी लो छान के, तो उससे आपको जो बेली फेट है उसको लूज करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ये पाचन शक्ति को भी सही करता है और बॉडी को भी डिटॉक्स करता है। धन्यवाद।